नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। जो स्त्री अपने पति से दूर रहना पसंद करती है, जो अपने पति से अलग रहना पसंद करती है, पति इस कमरे में है तो पत्नी दूसरे कमरे में, तो समझ लेना वो अपने पति से खुश नहीं है। अक्सर ऐसी महिलाएं ये मौका ढूंढती रहती हैं कि उनका पति कब उनसे दूर जाए या किसी काम से बाहर चला जाए। ऐसा तभी होता है जब उसके मन में आपके लिए प्यार नहीं होता या फिर वह किसी और को चाहती हो। बताया तो ये गया है कि इस प्रकार की कुटिल महिलाएं अकेले ही रहना पसंद करती हैं। दूसरा काम ये है कि जिस स्त्री को आपकी बातें पसंद ना आती हों और वो अपने पति से हर समय गुस्से में रौब झाड़ते हुए बात करती हो, तो समझ लेना उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है। इस तरह का व्यवहार साफ जाहिर करता है कि आपकी अच्छी और हित भरी बातों को भी जो गंभीरता से ना ले, आपके द्वारा कही गई मधुर वाणी में भी कोई बात यदि उसे अच्छी ना लगे और उसकी प्रतिक्रिया ऐंठ भरी हो, गुस्से में हो और रूखी हो, तो इसका मतलब है वह आपको पसंद नहीं करती। तीसरा काम, दोस्तों, जो स्त्री पति के दुख तकलीफ को ना समझे, पति चाहे कितना ही परेशान हो या उसे कोई रोग हो या किसी बात को लेकर तनाव हो, यदि आपकी पत्नी आपके दुखों को अनदेखा करती है, आपको सांत्वना देने की बजाय वह आपसे दूर रहती है, आपकी परेशानी में शामिल नहीं होती, तो वो आपकी हितैषी बिल्कुल नहीं हो सकती। पति पत्नी के बीच भले ही विचारों का तालमेल फिट ना बैठे, लेकिन परेशानी में तो एक दूसरे के साथ होना ही चाहिए। किसी को गंभीर रूप से दुखी देखकर पड़ोसी भी मदद करने के लिए चले आते हैं, पर घर की स्त्री ही जब बात ना पूछे, उसे आपके दुखी होने पर तनिक भी दुख का एहसास ना हो, तो समझ लेना वो आपसे प्यार नहीं करती। चौथा काम, जो स्त्री आपसे कपट करे, झूठ बोले और आपके ना होने पर घर में स्थिर होकर ना रहे, जिसे एक दूसरे के घरों में बैठना अच्छा लगता हो, वो आपके घर में कम और पड़ोसियों के घर में ज्यादा ताक झांक करती हो, आपके आने पर आ जाए और आपके जाने पर चली जाए, तो समझ लेना वह आपको नहीं चाहती। पांचवा काम, जो स्त्री आपकी स्थिति को देखते हुए काम ना करे, आपकी आय को ध्यान में रखकर जो शौक ना करे, उसे सिर्फ अपनी शौकों से ही मतलब हो, घर की, परिवार की, बच्चों की चिंता ना हो, जो आप पर कुछ भी करके उसके मनोरंजन की चीजों को लाने का दबाव बनाती हो, चाहे इसके लिए आपको कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, जो आपसे आपके पास पैसे होने पर ही मीठी मीठी बात करे और पैसे ना होने पर सीधे मुंह बात ना करे, तो ध्यान रखना वो आपकी शुभ चिंतक नहीं है। छठवीं बात, जो महिलाएं अपने पति को दूसरे के सामने भी अपशब्द बोलती हैं और घर में तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, उनका ये असम्मान भरा हुआ बर्ताव ये बताता है कि उनके मन में पति के लिए कोई प्यार नहीं है। अक्सर बहुत सी महिलाएं मित्रों के और रिश्तेदारों के सामने अपने शब्दों से पति को अपमानित करती रहती हैं, दूसरों से उसकी निंदा करती रहती हैं, बाहर का कोई भी आ जाए तो उसकी खातिरदारी में कमी नहीं रखती और अपने पति को चाय तक नहीं पूछती। इस प्रकार का बर्ताव उनके दूषित चरित्र को उजागर करता है और ऐसा आचरण उन्हीं स्त्रियों का होता है जो चरित्रहीन होती हैं। सातवां कारण, दोस्तों, सातवां कारण बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि स्त्रियां पुरुषों के ही कुछ दोषों के कारण वे उनसे दूर हो जाती हैं और उनका अनुराग उनके पतियों में नहीं रहता। पतियों से प्रेम ना रहने का कारण कहीं ना कहीं पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं। जैसे किसी का स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, वो कोई बात शांति रूप से कर ही नहीं सकता, हर बात को क्रोध में कहता है और अपने क्रोध भरे वाक्य बाणों से वो पत्नी को घायल करता रहता है, जिससे स्त्री के अंदर का अनुराग पति के लिए नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण है पुरुष का नपुंसक होना। दोस्तों, ये भी कारण स्त्रियों को पर पुरुषों में आसक्त होने के लिए विवश करता है। तीसरा कारण है वे पुरुष जो बात बात पर स्त्री को दंड देते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर मारना पीटना शुरू कर देते हैं। यह दोष
स्त्री के प्रेम को आपसे दूर कर देते हैं। चौथा कारण है पुरुषों का प्रेम ना करना। दोस्तों कहते हैं प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी समझ लेते हैं। जब कोई पुरुष में इस बात का अभाव होता है तो स्त्रियों की व्यवस्था होती है कि वे पुरुषों से प्रेम नहीं करती हैं। कहते हैं एक तरफा प्रेम कभी सफल नहीं होता। पांचवा कारण है पुरुषों का परदेश में अधिक रहना। जो लोग परदेश में रहते हैं और अपनी स्त्री की ओर ध्यान ही नहीं देते तो उनकी पत्नियां भी अधिकतर दूर हो जाती हैं। छठवां कारण है पुरुष का अत्यंत दरिद्र और रोगी हो जाना। सातवां कारण है पुरुषों का पर स्त्रियों में आसक्त रहना। पुरुषों का ऐसा व्यवहार स्त्रियों के लिए आपसे दूर होने के लिए या आपसे प्रेम न करने के लिए मजबूर करता है, या फिर वे दूसरे पुरुषों का आश्रय पकड़ लेती हैं। दोस्तों पुरुषों को चाहिए कि जो स्त्रियां अपनी ओर से पुरुषों से प्रेम नहीं करतीं, उनकी जो भी मजबूरी हो, पर आपके इन दोषों की वजह से यदि स्त्रियों में ये स्वभाव आ जाए तो ये ठीक नहीं है। आप इन दुर्गुणों को यत्नपूर्वक छोड़कर स्त्रियों को स्वयं से दूर जाने से रोक सकते हो। अपने आचरण में परिवर्तन लाकर, जैसे वस्त्र, अन्न, आभूषण, प्रेम और मीठे वचन बोलकर, उन्हें जो व्यवहार पसंद आए उसके अनुसार आप उन्हें अपने समीप रखकर उनकी रक्षा करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।